भगवान भोलेनाथ का महीना माने जाने वाले सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों पर महाशिवरात्रि जैसा माहौल रहा। इस दौरान मंदिरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, भोलेनाथ को दूध व जल से अभिषेक कर मंगल कामना की। माहौल भक्ति से ओतप्रोत रहा, हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा था। सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों पर पहुँचना शुरू हुए, शिव बाबा का जलाभिषेक किया, मत्था टेका और मंगल कामना की। सोमवार के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया है। स्वयं सेवक श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैयार थे और उनको क्रमबद्ध ढंग से दर्शन पूजन करा रहे थे। एक तरफ जलाभिषेक दर्शन पूजन व दूसरी तरफ मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक चल रहा था। वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर सहित लगभग सभी शिव मंदिरों पर श्रद्धालु भोर से ही पहुंचने लगे थे। मंदिर जाने वाले रास्ते श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान थे। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर बाबा का जय घोष किया और शिव बाबा को भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत मंदार, पुष्प, गन्ना आदि अर्पित करने के बाद दूध व जल से अभिषेक किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालु वैष्णवी और मंदिर के पुजारी रामनाथ उपाध्याय ने कहा, वैष्णवी यहीं से आए हैं, दहलादपुर से। पहला तुम्हारी है जी मनोकामना तो बताई नहीं जाती है, हमने भोले पापा से मांग लिया जो मांगना है। सावन का सोमवार है, सभी भक्त बहुत ज्यादा भीड़ संख्या में होती है, यहाँ पर आते हैं, सबकी मन्नत पूरी होती है। क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या किस तरह मंदिर की व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से प्रवेश द्वार है, निकास द्वार है, भक्तों के लिए आने जाने के लिए सुविधा है और भीड़ नहीं लगाई जा रही है। मंदिर में जो आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी जल चढ़ा करके बाहर निकाला जा रहा है।